कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। आज बीजेपी पूरे देश में इसके विरोध में कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली है। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के महामंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आज आपातकाल के 49 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे देश में बीजेपी कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बकायदा शाम 4 बजे बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। महामंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। आपको याद होगा कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बहाने विपक्ष पर निशाना साध दिया था। अब ऐसे में बीजेपी की बड़ी तैयारी है कि कैसे रणनीति बनाई जाए कांग्रेस को घेरने की। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 50 साल पहले पूरे देश में आपातकाल लगाने का ऐलान हो गया था और इसे लेकर आज बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपातकाल के 49 साल पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने रणनीति तैयार की है कि कैसे कांग्रेस को आपातकाल के मुद्दे पर घेरना है। अलग अलग जगहों पर कैसे यहां पर जो पार्टी के नेता हैं वो एक बड़ी ठोस रणनीति के साथ कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे। इसी से जुड़ी ये अहम तस्वीर है कि आज बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक होगी जेपी नड्डा के नेतृत्व में। अब आपको ये भी बता दें कि आपातकाल के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त इस वक्त हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 49 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है आपको बताते हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। साल 1975 में आज ही के दिन कांग्रेस के द्वारा लगाया गया आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अहंकार में डूबी निरंकुश कांग्रेस सरकार ने एक परिवार के सत्ता सुख के लिए 21 महीनों तक देश में सभी प्रकार के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी थी, संविधान में बदलाव कर दिए और न्यायालय तक के हाथ को बांध दिया था। आपातकाल के खिलाफ संसद से सड़क तक आंदोलन करने वाले असंख्य सत्याग्रहियों, समाज सेवियों, श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के संघर्ष को नमन करता हूं। और हैशटैग आगे उन्होंने लिखा है डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी। एक बड़ी तैयारी यहां से दिखाई देती है कांग्रेस को घेरने की। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने जो ट्वीट किया वो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपातकाल के बारे में थोड़ी और जानकारी देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 25 जून 1975 का वो दिन था जिस रात देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण समेत विपक्ष के कई बड़े नेता हिरासत में उस वक्त ले लिए गए थे। इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। 21 महीने तक जनता को इमरजेंसी की त्रासदी को झेलना पड़ा था। 21 मार्च 1977 को आपातकाल वापस ले लिया गया था और इसी आपातकाल के जब 49 साल पूरे हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस को आपातकाल के मुद्दे पर घेरने का और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। अलग अलग जगहों पर कैसे घेरने की रणनीति बनाई जानी है इसको लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन इसीलिए आपातकाल कब लगाया गया और कितने समय तक लगा था ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसी से जुड़ी हुई जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में इसी मामले पर कार्यक्रम आयोजित कर दिया है तो दूसरी तरफ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के बहाने विपक्ष और कांग्रेस पर हमला बोल दिया था। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं
कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। हम संकल्प करेंगे जीवंत लोकतंत्र का, हम संकल्प करेंगे भारत के संविधान की निर्दिष्ट दिशा के अनुसार जन सामान्य की के सपनों को पूरा करना।